नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की एमएसपी खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ दो साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। हमारे कुछ सवाल हैं श्रीमान नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से, क्या ये सीधे सीधे एक षड्यंत्र नहीं एमएसपी को चोर दरवाजे से ख़त्म करने का और किसान की फसल को एमएसपी पर ना खरीदने का? दूसरा, पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है? तीसरा, क्या नायब सैनी जी ये बताएंगे कि कितने हरियाणा के किसानों को, धान पैदा करने वाले किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध करवाई गई है? चौथा, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि 50% सब्सिडी देने के बाद भी हैप्पी सीडर मशीन की लागत किसान को 75,000 और 80,000 रुपया पड़ती है? गरीब छोटा किसान, एक एक दो दो एकड़ वाला किसान ये पैसा कहाँ से लाएगा? पांचवा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती भी है कि अगर थोड़ी सी भी नमी पराली में है तो 15 से 20 मीटर के बाद हैप्पी सीडर मशीन बंद हो जाती है, तो फिर किसान क्या करेगा? छठा, क्या श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार ये जानती है कि हैप्पी सीडर मशीन चलाने के लिए 65 हॉर्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर की ज़रूरत है? छोटे छोटे किसान के पास इतना बड़ा ट्रैक्टर कहाँ से आएगा, और अगर नहीं आएगा तो पराली जलाने के अलावा विकल्प क्या है? और सातवां और आखिरी सवाल, क्या श्रीमान नायब सैनी ये जानते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और किसान दोनों पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि हैप्पी सीडर मशीन से खेती की उत्पादकता कम हो जाती है, तो फिर ऐसे में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या सरकार ने कोई शोध करवाई, क्या कोई जाँच करवाई, और अगर नहीं करवाई तो जबरन हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल किसान कैसे करेगा? इन सवालों का जवाब दें, ये तुगलकी फरमान फौरन वापस लें, वरना प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहें। जय जवान जय किसान।